नमस्कार दोस्तों, मुकेश प्रयास यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुकेश और आज झारखंड की श्रृंखला को आगे बढ़ाने जा रहे हैं और आप लोगों को हम पहले ही पढ़ा चुके हैं झारखंड के तीन महत्वपूर्ण जनजाति जनसंख्या के दृष्टिकोण से। तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जनजाति में हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं संथाल, दूसरा पढ़ा चुके हैं मुंडा और तीसरा पढ़ा चुके हैं उरांव और आज चौथा पढ़ा रहे हैं आप लोगों को हो। क्या पढ़ा रहे हैं? हो। क्लियर है? तो आज जो हम हैं हो जनजाति पर चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए दिल से पढ़ाते हैं, आप लोग भी दिल से पढ़िए। क्लियर? और लॉकडाउन में बहुत अपने आप को स्लो करने की जरूरत नहीं है, यही समय है अपने जुनून को जगाइए और तभी आगे सफलता मिलेगी। क्लियर है? विपरीत परिस्थितियों से जो निकल कर बाहर आता है वही मजबूती के साथ आगे बढ़ता है। क्लियर है? तो चलिए आज हम लोग कर रहे हैं हो जनजाति। कौन जनजाति भाई? हो जनजाति। क्लियर है? तो आज जो हमारा चौथा नंबर की जनजाति है हो जनजाति, इसको हम लोग जानते हैं। तो ध्यान रखना है चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली, चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। तो अगर पूछे आप लोगों से एक नंबर पर कौन है बताइए आप लोग, तो संथाल। क्लियर है? और ये जो हो जनजाति के लोग हैं ये जनसंख्या के हिसाब से कितने नंबर पर हैं? तो चौथे स्थान पर हैं। क्लियर है? चलिए इनका जो मुख्य जमाव क्षेत्र है, मुख्य जमाव क्षेत्र जिस क्षेत्र में ये सर्वाधिक पाए जाते हैं वो है कोल्हान प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल। क्लियर है? तो इनका सर्वाधिक जमाव, मुख्य जमाव क्षेत्र कौन है? आंसर क्या देंगे? कोल्हान प्रमंडल। कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत तीन डिस्ट्रिक्ट आते हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और तीसरा सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां। क्लियर है? तो हो जनजाति का मुख्य जमाव क्षेत्र कौन है आज के बाद अगर हम लोगों से पूछा जाए तो आंसर क्या देंगे? कोल्हान प्रमंडल। डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला व खरसावां, तीन डिस्ट्रिक्ट। क्लियर है? चलिए ये किस प्रजातीय समूह में आते हैं? प्रजाति समूह में तो आंसर होगा प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, प्रोटो ऑस्ट्रेलायड। तो अगर आज के बाद आप लोग से पूछे हो जनजाति को किस प्रजाति समूह में रखा गया है आप लोग क्या बोलेंगे? प्रोटो ऑस्ट्रेलायड। क्लियर है? चलिए इनकी भाषा, अगर पूछे कि हो जनजाति की भाषा क्या है तो आप लोग बोलेंगे हो भाषा। भाषा का भी नाम क्या है? तो हो। ये भाषा जो है मुंडारी व संथाली से मिलता जुलता है, संथाली से मिलता जुलता है। क्लियर है? तो हो भाषा इनकी भाषा है। अब है कि ये हो भाषा को किस समूह में रखते हैं या किस भाषा समूह में? तो आस्ट्रिक भाषा समूह में। किस भाषा समूह में भाई? आस्ट्रिक भाषा समूह में। क्लियर है? चलिए अब अगर आप लोग से पूछे कि हो भाषा की लिपि क्या है, लिपि पूछेगा कि हो भाषा की लिपि क्या है, क्या पूछेगा आप लोग से भाई? हो भाषा की लिपि, तो क्या बोलेंगे आप लोग? हो भाषा की लिपि आप लोग बोलेंगे बारड़ चीती। क्या बोलेंगे? बारड़ चीती। हो भाषा की लिपि क्या बोलेंगे? बारड़ चीती। क्लियर है हम लोगों का? चलिए अगला है कि हो जनजाति में
कितने गोत्र पाए जाते हैं? हो जनजाति में 80 से अधिक गोत्र। हो जनजाति में कितने गोत्र? तो आंसर होगा 80 से अधिक गोत्र पाए जाते हैं। तो हो जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं, अगर ये क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाए, अब आप लोग का आंसर क्या होगा बताइए? 80 गोत्र से अधिक, तो गोत्रों की संख्या, जनजाति संस्कृति में गोत्रों का बहुत महत्व है। तो कितने गोत्र हैं? 80 से अधिक गोत्र, क्लियर है? इनमें से कुछ प्रमुख गोत्र हैं, 80 से अधिक गोत्र हैं, और इनमें से कुछ प्रमुख गोत्र कौन कौन हैं? तो लिखिए बारला। क्या नाम है भाई? एक गोत्र का नाम है बारला, दूसरा है बोधरा, बारला, बोधरा, बालमूचू, तीसरा, चौथा है अंगारिया। कौन भाई? अंगारिया। पांचवा है हेम्ब्रम। चलिए, छठा है आपका चांपिया। सातवां है तामसोए आदि। तो ये सात प्रमुख गोत्र हैं। कौन कौन भाई? बारला, बोधरा, बालमूचू, अंगारिया, हेम्ब्रम, चांपिया, तामसोई। 80 से अधिक गोत्र पाए जाते हैं, लेकिन इसमें से प्रमुख गोत्र कौन कौन है इसको हम लिखवाए आप लोग को, क्लियर है? आइए, इस जनजाति में भी गोत्र को किस नाम से? तो आंसर होगा कीली के नाम से। गोत्र को किस नाम से जाना जाता है? आंसर क्या देंगे हम लोग? कीली, क्लियर है? चलिए, हो जनजाति के लोगों को मूछ एवं दाढ़ी नहीं होते हैं, ये याद रखिएगा। हो जनजाति के लोगों को मूछ एवं दाढ़ी नहीं होते हैं, क्लियर है? आइए अगला देखते हैं। हो जनजाति पहले मातृसत्तात्मक था, लेकिन अब यह धीरे धीरे पितृसत्तात्मक हो गया है, क्लियर है? तो हो जनजाति के लोग या हो जनजाति का समाज पहले मातृसत्तात्मक था, अब ये कैसा हो गया है? तो पितृसत्तात्मक हो गया है। अब कैसा हो गया भाई? पितृसत्तात्मक, क्लियर है? चलिए, ये तो आप लोग को पता ही है कि सगोत्रीय विवाह निषिद्ध, सगोत्रीय विवाह निषिद्ध। तो जनजातियों में सगोत्रीय विवाह आम तौर पर निषिद्ध माना जाता है, क्लियर है? चलिए, अगला ध्यान देना है कि हो जनजाति में ममेरे भाई और ममेरी बहन, हो जनजाति में ममेरे भाई और ममेरी बहन के विवाह को प्राथमिकता दी जाती है। तो ध्यान देना है आप लोग को कि हो जनजाति में किस विवाह को प्राथमिकता दी जाती है, क्या बोलेंगे? ममेरे भाई और ममेरी बहन, क्लियर है? तो चलिए, ममेरे भाई व ममेरी बहन, ममेरे भाई व ममेरी बहन के विवाह को प्राथमिकता दी जाती है। तो किस विवाह को प्राथमिकता दी जाती है? तो ममेरे बहन
नहीं, ममेरे भाई और ममेरे बहन, क्लियर है। तो चलिए अगला देखते हैं, बहु विवाह की प्रथा प्रचलित। बहु विवाह की प्रथा प्रचलित है, क्लियर है, बहु विवाह की प्रथा। तो इस जनजाति में बहु विवाह की प्रथा प्रचलित है, बहु विवाह की प्रथा प्रचलित है। किस प्रकार की विवाह भाई? बहु विवाह की प्रथा प्रचलित है। लेकिन बहु विवाह सामान्यतः संपन्न वर्गों में, संपन्न वर्गों में, क्लियर है। तो ये बहु विवाह जो है वो सामान्यतः किस वर्गों में देखा जाता है? आंसर क्या देंगे? संपन्न वर्गों में, क्लियर है। चलिए, बाल विवाह की प्रथा नहीं है। तो इस जनजाति में बाल विवाह की प्रथा नहीं है, बाल विवाह की प्रथा नहीं है। तो क्या भाई इस जनजाति में बाल विवाह की प्रथा प्रचलित है? आंसर होगा नहीं, क्लियर है। अब आइए, इस जनजाति में पांच प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। पूछेगा कि इस जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित हैं, आप लोग का आंसर क्या होगा? पांच प्रकार के विवाह। तो चलिए लिखते हैं, पांच प्रकार का विवाह प्रचलित। कितने प्रकार का भाई? पांच प्रकार का विवाह प्रचलित। अब आइए इसमें से पांचों देखते हैं हम लोग। फर्स्ट है आंधी बापला, आंधी बापला। क्या नाम है भाई? आंधी बापला। ये हो जनजाति में श्रेष्ठ विवाह माना गया है, श्रेष्ठ विवाह, श्रेष्ठ विवाह। तो हो जनजाति में श्रेष्ठ विवाह किस विवाह को कहते हैं? आंसर क्या देंगे आप लोग? आंधी बापला, क्लियर है। अब है कि ये कैसा विवाह है? तो इस विवाह में वर पक्ष या वर, इस विवाह में वर विवाह का प्रस्ताव लेकर, वर विवाह का प्रस्ताव लेकर स्वयं या किसी रिश्तेदार के माध्यम से, स्वयं या किसी रिश्तेदार के माध्यम से, किसी रिश्तेदार के माध्यम से वधू के घर जाता है, वधू के घर जाता है। तो सबसे श्रेष्ठ विवाह हो जनजाति में कौन है भाई? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से, क्या बोलेंगे? आंधी बापला। और इस विवाह में क्या होता है? तो वर स्वयं या वर के कोई नजदीकी रिश्तेदार या वर के कोई परिचित वधू के घर जाते हैं और विवाह का प्रस्ताव रख के विवाह करते हैं। इस विवाह को क्या कहते हैं? आंधी बापला, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है दीकू आंधी। विवाह का नाम क्या है? दूसरा विवाह दीकू आंधी। क्या विवाह का नाम है? दीकू आंधी, क्लियर। यह विवाह हिंदू गांवों में रहने वाले, हिंदू गांवों में रहने वाले, हिंदू गांवों में रहने वाले संपन्न लोग करते हैं। हिंदू, यह विवाह हिंदू गांवों में रहने वाले संपन्न हो जनजाति के लोग करते हैं। इस विवाह को क्या कहते हैं भाई? आंधी विवाह। इस पर ध्यान दीजिएगा, विवाह के कई प्रकार जनजातियों में प्रचलित है। अगर इस तरह से आप धीरे धीरे सारे विवाह को समझ लेंगे तो फिर यहां से अगर कोई प्रश्न पूछता है तो आप लोग आराम से इस प्रश्न को कर पाएंगे, क्लियर है भाई। तीसरा विवाह है, ये पूछा गया है आप लोग को, ओपोर, ओपोर तीपी। तीसरे विवाह का नाम देखिए क्या है? ओपोर तीपी विवाह। कौन विवाह? ओपोर तीपी विवाह। कौन विवाह? फिर से बोलिए आप लोग, ओपोर तीपी विवाह। ये कैसा विवाह है?
तो इसको हरण विवाह कहते हैं, हरण विवाह। और ये तो आप नाम से ही आप लोग समझ गए होंगे। तो ओपोर तीपी विवाह किस प्रकार का विवाह है, आंसर क्या देंगे, हरण विवाह। क्लियर है? चलिए, इसमें क्या होता है, वर कन्या का अपहरण कर विवाह कर लेता है, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, हरण विवाह। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट है आपका राजी खुशी विवाह। राजी खुशी विवाह कौन विवाह भाई, राजी खुशी विवाह। यह भी देखिए, नाम से स्पष्ट होता है कि वर कन्या की सहमति से किया गया विवाह, वर और कन्या की सहमति से। राजी खुशी मतलब क्या हुआ, सहमति। तो वर और कन्या की सहमति से जो विवाह होता है उस विवाह को हम लोग क्या कहते हैं, राजी खुशी विवाह। क्लियर है? और पांचवा विवाह है आमदेर विवाह। आमदेर विवाह, विवाह का नाम क्या है भाई, आमदेर विवाह, याद रखिए आमदेर विवाह। क्लियर है? आमदेर विवाह क्या है, तो कन्या बलपूर्वक, ध्यान दीजिए विवाह पर, कन्या बलपूर्वक वर के घर में प्रविष्ट कर जाती है, वर के घर में प्रविष्ट कर जाती है और तब तक उस घर में रहती है जब तक कि वर पक्ष विवाह के लिए तैयार ना हो जाए। और इस विवाह को क्या कहते हैं, आंदेर विवाह। ध्यान रखिएगा, कौन, तो कन्या वर के घर प्रविष्ट कर जाती है, वर के घर प्रविष्ट कर जाती है बलपूर्वक और तब तक रहती है जब तक कि विवाह के लिए सहमति प्रदान ना कर दिया जाए। तो इस प्रकार के विवाह को क्या कहते हैं, आंदेर विवाह। तो अगर आज के बाद आप लोग से पूछे कि हो जनजाति में प्रचलित विवाह कौन कौन है, बता देंगे आप लोग, फर्स्ट आंदी विवाह, दूसरा दीकू आंदी, तीसरा ओपोर तीपी, चौथा राजी खुशी और पांचवा आंदेर विवाह। भाई क्लियर है आप लोगों का? चलिए, अब ध्यान रखिएगा कि ये जो ओपोर तीपी विवाह है ये हो जनजाति में प्रचलित प्राचीनतम विवाह पद्धति है, प्राचीनतम विवाह पद्धति है। तो आंसर, अगर क्वेश्चन आप लोग से पूछे कि कौन विवाह हो जनजाति में प्राचीनतम विवाह पद्धति है, आंसर क्या बोलेंगे आप लोग, ओपोर तीपी। क्या बोलेंगे भाई, ओपोर तीपी। क्लियर है? चलिए, इस जनजाति में बधु मूल्य को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन पर ध्यान रखिए, बधु मूल्य को क्या कहा जाता है, वधु मूल्य को, इस जनजाति में बधु मूल्य को क्या कहा जाता है, तो गोनोंग, गोनोंग या फिर पान, गोनोंग या पान। तो बधु मूल्य को इस जनजाति में क्या कहा गया है भाई, क्या बोलेंगे आप लोग, गोनोंग। क्लियर है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो मन लगाकर पढ़िए भाई। क्लियर है? चलिए, अगला देखते हैं हम लोग कि हो जनजाति में तलाक प्रथा प्रचलित था, हो जनजाति में तलाक प्रथा प्रचलित था। तो अगर आप लोग से पूछे कि क्या हो जनजाति में तलाक प्रथा प्रचलित था, आंसर क्या देंगे आप लोग, हां था। तो हो जनजाति में तलाक प्रथा प्रचलित था, अगला इंफॉर्मेशन है, अगला जानकारी है हम लोगों के लिए। और झारखंड की जनजातियों की संस्कृति झारखंड के किसी भी एग्जाम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है भाई आप लोगों का। क्लियर? तो चलिए, हो जनजाति में क्या था, तलाक प्रथा, तलाक प्रथा प्रचलित। तो अगर आप लोग से पूछे कि क्या हो जनजाति में तलाक प्रथा प्रचलित है, आंसर क्या देंगे, यस हां है। क्लियर है? चलिए, पुनर्विवाह को सामाजिक मान्यता प्राप्त है, सामाजिक स्वीकृति प्राप्त है। तो पुनर्विवाह को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त है। तो अगर पूछे
कि तलाक के बाद क्या पुनर्विवाह को हो जनजाति में स्वीकृति प्राप्त है? क्या आंसर देंगे? यस, स्वीकृति प्राप्त है। क्लियर है? चलिए अगला है, बहुत ही फेमस, बार बार हम बोलते हैं आप लोग को, युवा गृह। तो हो जनजाति के युवा गृह को क्या कहते हैं? हो जनजाति के युवा गृह को क्या कहते हैं? ये पहले भी हम करा चुके हैं भाई आप लोगों को। क्लियर है? तो ये अब इसका आंसर आप लोग बताइए, इसका आंसर अब आप लोगों को बताना है कि हो जनजाति में युवा गृह को किस नाम से जानते हैं? क्या बोलेंगे आप लोग? गोती ओरा। क्या बोलेंगे? गोती ओरा। तो युवा गृह को हो जनजाति में हम लोग किस नाम से जानते हैं? क्या बोलेंगे आप लोग? गोती ओरा। क्लियर है? चलिए हो जनजाति की किसकी भाई? हो जनजाति की पारंपरिक शासन प्रणाली को, पारंपरिक शासन प्रणाली को कहते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन देगा। हो जनजाति में पारंपरिक शासन प्रणाली को क्या कहते हैं? आंसर होगा मुंडा मान की व्यवस्था। मुंडा मान की व्यवस्था। कौन व्यवस्था भाई? मुंडा मान की व्यवस्था। तो हो जनजाति में जो पारंपरिक शासन प्रणाली है, उस शासन प्रणाली को क्या कहते हैं? आंसर क्या देंगे हम लोग? बोलिए आप लोग का आंसर होगा मुंडा मान की व्यवस्था या मुंडा मान की शासन व्यवस्था। तो हो जनजाति की पारंपरिक शासन प्रणाली को कहते हैं मुंडा मान की शासन व्यवस्था। क्लियर है? तो चलिए चलिए अगला देखते हैं हम लोग कि ग्राम प्रधान को इस व्यवस्था में क्या कहा जाता था। इस व्यवस्था में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता था? तो ग्राम प्रधान को मुंडा कहा जाता था। तो अगर पूछे कि इस शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता था या क्या कहा जाता है, आंसर क्या देंगे? मुंडा। क्लियर है? चलिए मुंडा के सहयोगी को या फिर मुंडा के सहायक को क्या कहते थे? मुंडा के सहायक को क्या कहते हैं? आंसर होगा डाकुआ। क्या कहेंगे भाई? डाकुआ। तो ग्राम प्रधान को क्या कहते हैं? मुंडा। मुंडा के सहायक को क्या कहते हैं? डाकुआ। क्लियर है? चलिए पंचायत स्थल को क्या कहते हैं? पंचायत स्थल को क्या कहते हैं इस जनजाति में? आंसर होगा अखड़ा। क्लियर है? अखड़ा। तो ये तो सभी जनजाति में लगभग पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है? अखड़ा। अब ध्यान रखिएगा कि हो जनजाति के लोग अखड़ा को मूलतः क्या कहते थे? तो अखड़ा को कहते थे एटे तुरतूड, एटे तुरतूड। तो हो जनजाति में अखड़ा को क्या कहा गया है? एटे तुरतूड। बोलिए क्या कहा गया भाई? एटे तुरतूड। तो हो जनजाति में अखड़ा को क्या कहा गया है? क्या आंसर देंगे आप लोग? एटे तुरतूड। क्लियर? चलिए अगला देखिए, सात से बारह गांवों के समूह को कहते हैं सात से बारह गांवों के समूह को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? पीर या परहा, पीर या परहा। क्लियर है? क्या कहते हैं भाई बताइए? पीर या परहा। क्लियर है? चलिए अब परहा का प्रधान क्या कहलाता है? पूछेगा परहा का प्रधान क्या कहलाता है? परहा का प्रधान, आंसर होगा मानकी। परहा का प्रधान को हम लोग क्या कहते हैं? क्या आंसर देंगे आप लोग भाई? मानकी। क्लियर है? चलिए परहा का न्यायिक प्रधान, परहा का न्यायिक प्रधान को क्या कहते हैं? परहा के न्यायिक प्रधान को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा हमारा पीर पंच। क्या आंसर होगा? पीर पंच। तो
तो ये मुंडा मान की शासन व्यवस्था में कुछ प्रमुख पद, और यहां से क्वेश्चन आप लोगों को बराबर पूछा जाता है। क्लियर? तो अच्छे से करना है भाई, आप आराम से मेरे साथ करते चलिए, आपको कहीं कोई फिर दिक्कत नहीं होगी। तो आराम से पढ़िए, बार बार रिवाइज कीजिए, एकदम जुनून बनाइए पढ़ाई को। क्लियर है? जब तक पढ़ाई को जुनून नहीं बनाएंगे ना, तब तक कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। कंपटीशन बहुत टफ है। क्लियर? और ऐसे टफ कंपटीशन में बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो मुंडा मान की व्यवस्था हो जनजाति की महत्वपूर्ण शासन व्यवस्था थी। क्लियर? अब अगला देखते हैं हम लोग, प्रमुख पर्व, हो जनजाति के प्रमुख पर्व। तो याद रखिएगा, एक पर्व काफी महत्वपूर्ण है हो जनजाति का। अगर आप लोग से कभी भी एक पर्व का नाम पर्टिकुलर पूछ ले कि हो जनजाति में सबसे प्रचलित पर्व कौन है, एक अगर पूछे तो आंसर क्या देंगे, तो उस पर ध्यान देते हैं हम लोग। सबसे पहले प्रचलित पर्व हो जनजाति में प्रचलित पर्व तो हो जनजाति में प्रचलित पर्व कौन कौन है। तो सबसे पहला है माघे पर्व। कौन पर्व? माघे पर्व। इस पर ध्यान देना है, यही हो जनजाति का मुख्य पर्व है। तो अगर डायरेक्ट आप लोग से क्वेश्चन पूछे कि हो जनजाति का मुख्य पर्व बताइए, तो आप लोग का आंसर क्या होगा? माघे पर्व। क्या बोलेंगे भाई? माघे पर्व। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि माघे पर्व किस जनजाति का मुख्य पर्व है, क्या आंसर देंगे? हो जनजाति। क्लियर? अगला पर्व है डमूरी। ये सब पर्व का नाम हुआ, डमूरी। अगला है होरो। क्या है? होरो। अगला पर्व है जोमनामा। पर्व का नाम क्या है? जोमनामा। कोलोम। तो ये सब प्रमुख पर्व हुए किस जनजाति के? हो जनजाति। लेकिन अगर एक पर्व पूछे मुख्य पर्व, क्या आंसर देंगे? माघे पर्व। हो जनजाति का मुख्य पर्व क्या होगा बताइए भाई? माघे पर्व। ये अच्छे से याद कर लीजिए आप लोग। क्लियर है? चलिए आइए, ये हो जनजाति में मद्यपान काफी प्रचलित है। मद्यपान काफी प्रचलित है, तो हो जनजाति में मद्यपान का काफी प्रचलन है। क्लियर है? चलिए, इली, याद रखिएगा इली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इली हो जनजाति का मुख्य पेय हो जनजाति का मुख्य पेय एवं पवित्र पेय माना जाता है। कौन भाई? इली। तो हो जनजाति का मुख्य पेय और पवित्र पेय कौन माना जाता है? आप लोग का आंसर क्या होगा? इली। देवी देवताओं को इली चढ़ाते हैं। देवी देवताओं को भी इली चढ़ाते हैं। क्लियर है? देवी देवताओं को भी हो जनजाति के लोग इली चढ़ाते हैं। क्लियर है आप लोगों का? चलिए, अब क्वेश्चन पूछेगा आप लोग से, और यहां से अब कई प्रश्न आप लोगों को बनता है कि हो जनजाति के प्रमुख देवता कौन है। हो जनजाति के प्रमुख देवता, तो हो जनजाति के प्रमुख देवता अगर आप लोग से पूछे तो बड़ा कॉमन आंसर है, सिंह बोंगा। हो जनजाति के प्रमुख देवता, याद रखना है प्रमुख देवता, क्या बोलेंगे आप लोग? सिंह बोंगा।
काफी फेमस, काफी प्रचलित सिंह बोंगा। तो आज के बाद अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए कि हो जनजाति के प्रमुख देवता कौन है, क्या आंसर देंगे? सिंह बोंगा। क्लियर भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम देवता, कौन देवता? ग्राम देवता। अगर पूछे ग्राम देवता को क्या कहते हैं, आंसर देंगे पाहुई बोंगा। पाहुई बोंगा, क्या बोलते हैं भाई? पाहुई बोंगा। किसको? ग्राम देवता को। क्लियर? अगला देखिए पृथ्वी देवता, कौन देवता? पृथ्वी देवता। पूछेगा कि हो जनजाति में पृथ्वी देवता को किस नाम से जानते हैं? आप लोग का आंसर होगा ओरी बोड़ोम। ओरी बोड़ोम, क्या नाम होगा? ओरी बोड़ोम। तो पृथ्वी देवता को क्या कहते हैं? ओरी बोड़ोम। आइए पहाड़ देवता, कौन देवता? पहाड़ देवता को क्या कहते हैं? तो मरांग बुरु। पहाड़ देवता को क्या कहते हैं? मरांग बुरु। क्लियर है? नाग देवता, आइए नाग देवता को कहते हैं नागे देवता। नाग देवता को क्या कहते हैं? नागे देवता। वर्षा देवता, ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई, वर्षा देवता, कौन देवता? वर्षा देवता किनको कहते हैं? तो आंसर होगा देसाउली बोंगा। देसाउली बोंगा, क्लियर है? तो ये प्रमुख देवता हुए किनके? हो जनजाति के। चलिए बताइए एक बार भाई, प्रमुख देवता कौन हुए? सिंह बोंगा। ग्राम देवता पाहुई बोंगा। पृथ्वी देवता ओरी बुड़ोंग। पहाड़ देवता मरांग बुरु। नाग देवता नागे देवता। और वर्षा देवता देसाउली बोंगा। इतने प्रमुख देवता हैं। क्लियर? अब आइए, इस जनजाति में पुरोहित को क्या कहते हैं? पूछेगा कि हो जनजाति के लोग पुरोहित को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा देवरी। क्या आंसर देंगे आप लोग? देवरी। क्लियर है? अब आइए पुरोहित के सहायक को क्या कहते हैं? पुरोहित के सहायक को, पुरोहित के सहायक को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा यात्रा देवरी। यात्रा देवरी। क्लियर? तो पुरोहित के सहायक को क्या कहते हैं? यात्रा देवरी। क्लियर है? और पुरोहित को क्या कहते हैं? तो देवरी। क्लियर है? चलिए, हो जनजाति के लोग भूत प्रेत, क्या भाई? भूत प्रेत, जादू टोना में विश्वास करते हैं। भूत प्रेत जादू टोना में विश्वास करते हैं। क्लियर है? तो पूछेगा कि हो जनजाति के लोग क्या जादू टोना भूत प्रेत में विश्वास करते हैं? तो आंसर क्या बोलेंगे? हां, विश्वास करते हैं। क्लियर है? अब आइए, हो जनजाति में शवों को दफनाने प्लस शवों को दफनाने, क्या करने भाई? दफनाने और जलाने, दोनों प्रथा विद्यमान है, दोनों प्रथा प्रचलित है। क्लियर? तो शवों को ये जनजाति के लोग क्या करते हैं? तो दफनाते भी हैं और जलाते भी हैं। क्लियर है? अब आइए मुख्य और लास्ट, कि इनका मुख्य पेशा क्या है? अगर आज के बाद आप लोग से पूछे कि हो जनजाति का मुख्य पेशा बताओ भाई, पेशा बताइए, तो आंसर होगा कृषि। तो ध्यान रखना है आप लोग को, हो जनजाति का जो मुख्य पेशा है वो क्या है? आंसर क्या बोलेंगे हम लोग? कृषि। तो हो जनजाति का मुख्य पेशा, अगर पूछे मुख्य पेशा क्या है, क्या आंसर देंगे? कृषि भाई। क्लियर? तो हो जनजाति का मुख्य पेशा क्या है, आंसर क्या देंगे हम लोग? कृषि। क्लियर है? अब आइए, हो जनजाति के लोग भूमि को तीन श्रेणियों में बांटे हैं। हो जनजाति के लोग
भूमि को तीन श्रेणियों में बांटते हैं। कितने श्रेणियों में? तीन श्रेणियों में। इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा भाई। फर्स्ट है बेड़ो। फर्स्ट को क्या कहते हैं? बेड़ो। तो फर्स्ट प्रकार की या फर्स्ट श्रेणी जो कृषि भूमि का है उसको क्या कहते हैं? बेड़ो। ये निम्न भूमि था। ये कैसा भूमि है? निम्न भूमि और उपजाऊ, उपजाऊ भूमि। तो निम्न भूमि मतलब नीचे, निम्न भूमि और उपजाऊ भूमि को हो जनजाति के लोग क्या कहते हैं? क्या आंसर देंगे आप लोग? आप लोग का आंसर होगा बेड़ो। क्या देंगे आंसर भाई? बेड़ो। उपजाऊ भूमि को हो जनजाति के लोग क्या कहते हैं? क्या आंसर देंगे? बोलिए बेड़ो। क्लियर। चलिए अगला देखिए, वादी। दूसरा जो श्रेणी है भूमि का उसको क्या कहते हैं? वादी। और वादी जो है वो है धन खेती। कौन खेती? धन खेती। तो जिस भूमि में धान की खेती होती है उसको हो जनजाति के लोग क्या कहते हैं? वादी। और तीसरा जो श्रेणी है वो है गोड़ा भूमि। कौन भूमि? गोड़ा भूमि। गोड़ा भूमि कौन भूमि भाई? गोड़ा भूमि। और ये कम उपजाऊ भूमि है, कम उपजाऊ। क्लियर है? कम उपजाऊ भूमि। और इस भूमि पर आमतौर पर मोटे अनाज, कौन अनाज? मोटे अनाज उपजाए जाते हैं। तो इस प्रकार से कृषि मुख्य पेशा हुआ हो जनजाति। किस जनजाति का भाई? हो जनजाति। और हो जनजाति में भूमि को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? तीन श्रेणी, बेड़ो, वादी और गोड़ा भूमि। क्लियर। तो आज हम झारखंड के चौथे जनजाति और उस जनजाति का नाम है हो, इस पर सारे प्रश्न को करने का प्रयास किए हैं। उम्मीद है कि मेरा ये प्रयास आप लोगों के लिए काफी लाभदायक होगा। क्लियर है भाई? तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।